हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम टॉपिक पढ़ेंगे अर्बनाइजेशन इन साउदर्न मेसोपोटामिया। और फिर इस मतलब ये बड़ा टॉपिक है, और फिर इसके अंदर जो पहला सब टॉपिक आते हैं टेंपल्स एंड किंग्स, तो ये सब टॉपिक पढ़ेंगे। इसके बाद भी और टॉपिक्स हैं, वो बाद में पढ़ेंगे, पहले इस वीडियो में ये वाला सब टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वाला सब टॉपिक स्टार्ट किया जाता है ऐसे कहके एनसीईआरटी में कि 5000 BC यानी कि 5000 BC यानी कि आज से करीब 7000 साल पहले सेटलमेंट स्टार्ट हो गई थी कहाँ पे, साउदर्न मेसोपोटामिया में। अब सेटलमेंट किस चीज के अराउंड हुई, तीन चीजों के अराउंड हुई, एक या तो टेंपल्स के चारों ओर हो गई, यानी कि बीच में एक टेंपल है, बाहर पूरी सिटी है, ठीक है। दूसरी हो गई कैसे, ट्रेड सेंटर सिटी, यानी कि बीच में कोई बाजार है, चारों ओर भाई सिटी बन गई, समझ गए, बाजार में ट्रेड होता है तो चारों ओर सिटी बन गई भाई, लोग यहाँ पे रोज आ जाते हैं ट्रेड करने, फिर अपने रह लेते हैं। उसके बाद अगला आता है इम्पीरियल सिटीज, यानी कि जो राजा महाराजा हैं। अब एक राजा है तो उसके कुछ मंत्री होंगे, मंत्री रहने लगे, फिर मंत्रियों के कुछ रिलेशन में होंगे, फिर ऐसे ऐसे राजा के रहने वाली जगह के आसपास भी शहर बन जाएगा। वे राजा है तो शहर तो होना ही होगा उसके आसपास, क्योंकि उसे अच्छी फैसिलिटी चाहिए रहेंगी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो राजा के आसपास जो सिटीज होती है उन्हें कहते हैं इम्पीरियल सिटीज, इम्पीरियल यानी कि शाही सिटीज, ओके। तो तीन पढ़ ली, टेंपल्स, ट्रेड और इम्पीरियल। ट्रेड बाजार में, टेंपल्स के चारों ओर, और इम्पीरियल राजा के चारों ओर। तो अब आपने पढ़ा होगा ये वाला टॉपिक टेंपल्स एंड किंग्स, यानी कि टेंपल के अराउंड वाली सेटलमेंट और इम्पीरियल सिटीज किंग के अराउंड वाली। ये पहली और तीसरी पढ़ेंगे, दूसरी हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इस वाले टॉपिक में हम पहली और तीसरी पढ़ेंगे, तो सबसे पहले पढ़ते हैं टेंपल वाली। टेंपल तो आपको पता होगा मेसोपोटामिया में जो अर्लीस्ट टेंपल मिले, बुक में लिखा हुआ है जो अर्लीस्ट टेंपल मिले हैं मेसोपोटामिया में, वो एक स्मॉल श्राइन जैसे हैं। श्राइन यानी कि कोई भी वो मूर्ति जिसकी पूजा की जा सके, जैसे कि कोई भी प्लेस है वहां पे कोई मूर्ति रखी है तो उस प्लेस को धीरे धीरे लोग मंदिर बना देंगे, इस टाइप में समझ लो। कोई जगह है जहाँ पे फिलहाल अपने रिलेशन में देखो तो हनुमान जी की, जैसे मान लो कोई ये मूर्ति है तो लोग इधर रोज आके पूजा कर जाते हैं, पर ये मंदिर तो है ही बड़ा, बस एक मूर्ति है, तो इसे कहते हैं श्राइन। तो छोटी मोटी श्राइन होगी, ऐसे स्टार्ट हुए थे हमारे शुरुआत के टेम्पल मेसोपोटामिया में, ठीक है। और ये श्राइन भी मतलब मूर्ति ऐसे तो है नहीं कि अपने आप रखी गई, किसी पत्थर से बनाई होगी, तो ब्रिक्स से बनाई जाती थी मूर्ति, लेकिन वो अनबेक्ड होती थी स्टार्टिंग में, बेक्ड बाद में बनने लगी। बेक्ड मतलब कि जो हमारी वो होती है ब्रिक, ईट, अब ईट को गर्म करके मजबूत बनाया जाता है, लेकिन उस टाइम में कुछ सालों तक उनके पास बेकिंग की टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए वो अनबेक्ड ब्रिक से बना देते थे। उसके बाद बेकिंग की टेक्नोलॉजी आई तो बेकिंग भी करने लग गए वो ब्रिक्स की, ठीक है। फिर उसके बाद टेंपल्स को क्या माना जाता था, टेंपल्स को होम माना जाता था, होम ऑफ गॉड, कि भगवान टेंपल में रहता है, कि भगवान तो टेंपल में ही रहते हैं और कहीं नहीं रहते, ठीक है, ऐसा माना जाता था मेसोपोटामिया में, ठीक है। उसके बाद जो अब ऐसा माना जाता था, तो अर्लीस्ट जो टेंपल्स होंगे, अर्ली टेंपल्स, अब लोग ऐसा मानते कि भगवान का घर है तो उसे घर जैसे ही बनाएंगे, तो टेंपल्स को हाउस जैसे बनाते थे कि भाई एक लिविंग रूम हो गया, बाथरूम हो गया, ऐसे ऐसे एक टेंपल में यही सिर्फ होता था, टेंपल में लिविंग रूम हो गया, बाथरूम हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हाउस ऑफ गॉड था, तो हाउस जैसे ही बना देते थे उसके,
कि भाई यहाँ पे भगवान रहते हैं, तो बिल्कुल जैसे हमारा घर है वैसे इनका घर होगा, बस थोड़ा सा अच्छा बना देते थे, टेम्पल लगता था। बस उनकी टेम्पल्स की पहचान कैसे हुई, क्योंकि घर जैसी है तो नॉर्मल घर और टेम्पल में पहचान क्या हुई। बस एक ये फर्क होता था कि जो नॉर्मल घर होते हैं उनकी दीवार ऐसी है जिसकी बिल्कुल स्ट्रेट दीवार है, बिल्कुल स्ट्रेट, कोई भी बिना अड़चन की। लेकिन जो टेम्पल की दीवार होती थी वो ऐसी होती थी, यहाँ पे स्ट्रेट है फिर यहां से थोड़ी आगे निकली हुई है, 3D में इमेजिन कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये वापस पीछे चली गई, फिर उसके बाद वापस आगे निकल आई, यानी कि दीवार आगे पीछे निकलती थी टेम्पल्स में, ठीक है। जैसे कि ये दीवार है, ये अभी नॉर्मल है, थोड़ी आगे जाके थोड़ी आगे निकल जाएगी, फिर नॉर्मल है, फिर आगे निकल जाएगी, फिर नॉर्मल है, आगे पीछे दीवार थी टेम्पल की, और नॉर्मल घर की होती थी बराबर। तो ये डिफरेंस था टेम्पल और होम के बीच में, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। अब क्योंकि लोग टेम्पल को होम मानते थे गॉड का, तो भाई गॉड के लिए बाथरूम वगैरह बना दिया, रूम वगैरह बना दिए, लेकिन गॉड कुछ खाए भी का, तो वो क्या करते थे, भगवान के लिए खाने का सामान लाते थे। क्या लाते थे, ग्रीन लाते थे, गेहूं वगैरह ले आए, कर्ड यानी कि दही वगैरह ले आए, दूध वगैरह ले आए, और फिश लाते थे। अब इनके तो कोई फोर्सेस मिलते नहीं, तो हमें कैसे पता चला कि भाई ये सब लाते थे। तो फिश का हमें पता चलता है क्योंकि एविडेंस मिले हमें। क्या एविडेंस मिले हैं, जैसे कि हमारा टेम्पल है मेसोपोटामिया के अंदर, अभी भी होगा भाई टेम्पल है, तो फिर उस टेम्पल के जो फ्लोर है, फ्लोर यानी कि फर्श, तो उस फर्श पे हमें फिश की बोन्स मिली है बहुत सारी, पूरी की पूरी लेयर मिली है, यानी कि जैसे 100 की 100 फिश रोज आती हूँ, इतनी मोटी लेयर में फिश ही फिश भरी है, नीचे फ्लोर आता है, यानी कि लोग फिश ला के छोड़ जाते थे और वो फिश यहीं पे जमा हो जाती थी। तो एविडेंस में हमें फिश बोन मिली है कहाँ पे, फ्लोर ऑफ टेम्पल, भगवान को खाने के लिए फिश दे के चले जाते थे, ठीक है। और फिर एक और इनका भगवान वैसे नॉनवेज होगा फिर, ठीक है। उसके बाद क्या था, इनका जो भगवान था उसे क्या माना जाता था, ओनर ऑफ लैंड, कि भाई इस टेम्पल के अराउंड जितनी भी लैंड है वो सारी भगवान के अंडर आती है। तो लोगों ने क्या सोचा कि भाई जब लैंड ही भगवान के अंदर आती है, तो लैंड का जो प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, वो भी भगवान के पास आना चाहिए। तो ये सारा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आता था पूरे शहर का, वो सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को टेम्पल्स में डिपॉजिट कर देते थे। भाई ये हमारे खेत से 45 किलो गेहूं आया है, टेम्पल में छोड़ आए, अगले से 50 आया है अगले वाले खेत से, वो भी टेम्पल में छोड़ आया, ऐसे ऐसे टेम्पल्स में हजारों किलो गेहूं हो जाता था। और फिर टेम्पल वाले क्या करते थे, सबकी जरूरत के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, और जो बाकी बच जाता उसे सेल कर देते बाहर आसपास की सिटीज में, ट्रेड कर देते, ठीक है। तो अब ऐसे बार बार कई सालों तक होता है, तो टेम्पल क्या बन जाता है, टेम्पल एक बहुत ही बड़ी चीज बन जाती है, मेन ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। क्योंकि भाई जब सारी लैंड टेम्पल के अंडर है, सारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टेम्पल के पास आ रहा है, सारा ट्रेड टेम्पल कर रहा है, तो भाई टेम्पल तो सबसे बड़ी चीज बनी जाएगी ऑटोमेटिकली, तो टेम्पल मेन ऑर्गेनाइजेशन बन गया, जिससे फिर टेम्पल क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करता था, तो लोगों को खाना भी टेम्पल पे डिपेंडेंट हो गया, सेल करता था। तो अब ये तो है नहीं टेम्पल खुद जाके बेच के आएगा, टेम्पल कुछ लोग, टेम्पल में कुछ लोग होंगे, यानी कि जो मर्चेंट्स होते थे वो टेम्पल पे निर्भर करते थे। अब मर्चेंट्स यानी कि व्यापारी बेच के आते थे, और व्यापारी को वीट वगैरह देता था टेम्पल, तो यानी कि व्यापारियों का व्यापार टेम्पल्स पे निर्भर करता था इनडायरेक्टली, ठीक है। तो टेम्पल्स को इस मायने में एम्प्लॉयर यानी कि नौकरी देने वाला ऑफ मर्चेंट कहा जाता है, क्योंकि मर्चेंट सारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टेम्पल से लेके बेचते थे, ठीक है, और फिर डिस्ट्रीब्यूट भी करता था टेम्पल, और फिर जितना भी डिस्ट्रीब्यूट करता था ये, कि इस बार हमने 1000 KG लोगों में बांट दिया गेहूं वगैरह,
उसका रिकॉर्ड रखते थे, ये रिटर्न रिकॉर्ड वेट के लिए पे, ठीक है। मैंने बताया था पहले स्क्राइब्स वगैरह लिखते थे। तो ये हमारे टेंपल के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं एग्रो के बारे में। तो जो एग्रीकल्चर था हमारा मेसोपोटामिया में, ये उसी टॉपिक के अंदर कंटिन्यूशन है, ठीक है। एग्रीकल्चर में क्या था, बहुत सारी दिक्कत थी, से प्रॉब्लम फेस करता था। अब प्रॉब्लम आप कह सकते हो या तो फर्टिलिटी की करता हो कि जमीन फर्टाइल नहीं थी, तो ये प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम कुछ और ही थी। प्रॉब्लम थी जैसे कि जो हमारी रिवर थी यूफ्रेट्स, इसमें कई बार फ्लड आ जाती थी। और आपको पता होगा जब वाटर ज्यादा हो जाता है ना क्रॉप के पास, तो क्रॉप खत्म हो जाती है, अपने आप सड़ जाती है इनडायरेक्टली कहे तो, ठीक है। तो इस वजह से, और कई बार क्या होती थी, ये रिवर अपना रूट चेंज कर लेती थी, रास्ता बदल। जैसे मान लो ये रिवर बह रही है और ये हमारे खेत है, अब रिवर रास्ता बदल के खेत के ऊपर से बहने लग गई, तब तो क्या ही फसल बचेगी, रिवर बहने लग गई बस फसल खत्म हो जाती थी सारी। और कई बार क्या होता था, रास्ता चेंज कर ले, जैसे ये रिवर बह रही है हमारे खेत है, तो मान लो रिवर यहां से बहने लग गई तो हमारे खेत में आ जाएगी ड्रोट, सूखा पड़ गया, इसमें भी फसल मर जाती है। तो एग्रीकल्चर में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, मेनली रिवर की वजह से होती थी। फर्टाइल तो बहुत थी जमीन, बस रिवर के वाटर की वजह से प्रॉब्लम होती थी, और कुछ मैन मेड प्रॉब्लम्स भी थी। अब देखो जैसे कि मैन मेड प्रॉब्लम्स बाद में देखें, अब ये देखते हैं। अब रूट चेंज होता था रिवर का, मान लो जैसे रिवर का रूट चेंज हो गया इधर, तो इधर कोई विलेज होता था, अब रिवर एकदम से रूट चेंज करके आ गई, विलेज में आ गई बाढ़, तो विलेज के लोग सारे भाग के इस इधर जगह पर अपने विलेज बना लेंगे। अब मान लो कि ये कल को यहाँ पे एक विलेज बन गया, तो बाढ़ आई यहाँ पे, आ गए वापस पानी, तो यहाँ के विलेज वाले दूसरे विलेज में चले जाएंगे। तो ऐसे ऐसे हमें हिस्ट्री में पता चलता है कि मेसोपोटामिया के लोग विलेज को रिलोकेट करते थे, रिलोकेट यानी कि बदलते रहते थे, क्योंकि कई बार फ्लड आ जाती थी, कई बार ड्रोट आ जाती थी, फेमाइन वगैरह पड़ जाए तो आस पड़ोस के गांव में चले जाते थे, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं मैन मेड प्रॉब्लम्स, किसमें, एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में मैन मेड प्रॉब्लम्स होती थी बहुत ज्यादा, वो पढ़ते हैं। जिसकी एक क्या हुई, जैसे हमारी रिवर है ये ऊपर से बहती हुई आ रही है, तो आप मान लो कि ये डाउन स्ट्रीम है, ये नीचे के लोग हैं और ये अपस्ट्रीम है, इनके पास अप वालों के पास पानी पहले आएगा। तो मान लो कि भाई ये रिवर आ रही है, इन्होंने सारा पानी खींच लिया अपने खेतों में, ले गए सारे पानी को, तो नीचे वालों के पास पानी नहीं बचेगा, नो वाटर, फिर भाई नीचे वालों की क्रॉप खत्म, ये हो गई मैन मेड प्रॉब्लम, ऊपर वालों की वजह से नीचे वालों की क्रॉप खत्म हो गई। या फिर एक और चीज होती थी जो अप वाले लोग थे, जैसे कि मान लो वापस बनाता हूं डायग्राम, ये है अप, ये है डाउन, ठीक है, ये डाउन वाले लोग हैं, अप वाले लोग हैं रिवर के ऊपर, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे थोड़ी बहुत गंदगी वगैरह फैल जाती है रिवर में अपने आप, ठीक है, इधर कोई पेड़ वगैरह गिर गया होगा जिससे कि नदी का पानी रुक गया इनडायरेक्टली, ठीक है। अब अप वाले लोग सोचते कि भाई हमारे पास तो पानी आ ही रहा है, तो ये तो पानी यूज करते रहे, लेकिन इस वजह से क्या हुआ, डाउन वालों के पास तो पानी आया नहीं, क्योंकि पानी बीच में रुक गया, तो अप वालों ने भाई साफ सफाई नहीं करी, इस वजह से डाउन वालों को पानी नहीं मिला, इनकी क्रॉप खत्म हो गई। तो ये भी एक मैन मेड प्रॉब्लम हो गई एग्रीकल्चर के ऊपर। तो इनडायरेक्टली मतलब सारी गलती अप वालों की है, ये अगर ढंग से पानी को जाने दें या फिर साफ सफाई करते रहे तो डाउन वालों को भी मिलता रहे, ठीक है। तो ये कहना चाह रही है स्टेटमेंट। तो अब इस वजह से क्या होता था, हमेशा वॉर वगैरह होते थे, वॉर मतलब कोई बड़ा नहीं, एक दो कंट्री, विलेज वॉर यानी कि एक विलेज वाले लोग दूसरे विलेज को पीट आए, दूसरे विलेज वाले आपस में पीट रहे, जैसे कि डाउन वाले लोग अप वालों को पीट आए कि भाई तुमने हमारे रिवर में पानी नहीं आने दिया, डाउन वालों ने अप वालों पे राज कर लिया, भाई हम तुम्हारी जमीन पे राज करेंगे, पानी लेंगे हम, ऐसी लड़ाई होती रहती थी। और इन वॉर को ऑर्गेनाइज कौन कराता था, वॉर होती थी लैंड और वॉटर पे,
भाई वो कहते थे हमें तो अप वाला लैंड चाहिए, डाउन वाला तुम रखो भाई, इधर तो तुम पानी भी नहीं आने देते, हम तो लड़ाई करेंगे अप वाले लैंड के लिए। वॉटर भाई रिवर में तो पानी आ ही नहीं रहा, तो इस पे भी लड़ाई होती थी। ठीक है, तो वॉर के दो कारण होते थे, लैंड एंड वॉटर, और इनको ऑर्गेनाइज कराते थे चीफ्स। चीफ्स यानी कि कबीले के सरदार, यानी कि आज के टाइम पे सरपंच मान लो। तो विलेज में जो सरपंच वगैरह या फिर कबीले के सरदार वगैरह होते थे, वो लड़ाई को ऑर्गेनाइज कराते थे कि हम भाई रात को जाएंगे, 10-15 बंदे लठ लेके जाएंगे, तोड़ी आएंगे वगैरह वगैरह। तो ये बात होती थी इनकी। इस वजह से जो चीफ होते थे ना, ये क्या करते थे, दूसरा विलेज जो अदर विलेज है उधर के लोगों को मार देते थे, और फिर उधर के जो लैंड थे ना वो अपने लोगों को दे देते थे। अब इसका क्या फायदा होगा, इनके लोग फिर इनको और पावरफुल बना देंगे, भाई हमारे राजा बहुत अच्छे हैं, हमारे सरदार बहुत अच्छे हैं, हमारे सरपंच बहुत अच्छे हैं, इन्होंने हमें लैंड दे दिया, वोटर दे दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब कल को भाई दूसरे विलेज का, मान लो तीन विलेज हैं, 1, 2, 3, पहले वाले ने दूसरे वाले को मार के दोनों जमीन ले ली, अब कल को मान लो तीसरे वाले ने इसको मार के ले ली, तो चीफ परमानेंट नहीं होते थे। इनके आपस में लड़ाई चलती रहती थी, फिर आपस में मरते रहते थे, बस ये चलता था। ठीक है, और एक और चीज, ये चीफ्स क्या करते थे, जैसे कि ये पहले वाला है इसने दूसरे वाले को मार दिया, तो दूसरे वाले के जो इलाका है इसमें प्रिजन भी होता होगा, मतलब जो क्रिमिनल्स वगैरह होते हैं उनको जेल में भी डाला जाता होगा दूसरे के इलाके में। तो ये बहुत ही क्रिमिनल माइंडेड जो लोग होते थे दूसरे के इलाके में, वो हमेशा दूसरे के अपोजिट में होंगे, जब भी तो जेल में है वो। तो वन जब लड़ाई करके दूसरे को हरा देगा, तो टू के जो जितने भी प्रजा वगैरह है उसे तो मार देगा, लेकिन जो टू के प्रिजनर्स हैं जो कि टू के अपोजिट थे, तो वन के फेवर में चले जाएंगे और वो वन उन्हें रख लेगा। यानी कि जो सामने वाले लोग हैं, जैसे कि मान लो देश से समझ, जैसे इटली है और ये जर्मनी है, अब मान लो जर्मनी ने इटली पे वॉर किया और इटली को हड़प लिया, तो इटली के लोग तो भाई जर्मनी के अपोजिट में होंगे कि भाई इटली बहुत गंदा है वगैरह वगैरह, इटली इन्हें मार, जर्मनी इन्हें मार देगा, भाई तुम हमारे बारे में उल्टा बोल रहे हो, मार दिया। लेकिन जो इटली के जेल में कैदी हैं प्रिजनर्स, वो तो यही सोचेंगे भाई जर्मनी ने हमें जेल से बाहर निकाल दिया तो बहुत अच्छा है, तो जर्मनी की साइड में हो जाएंगे प्रिजनर्स। ऐसा ही यही हो रहा है, वन ने टू को मारा तो टू के प्रिजनर्स वन की साइड में अच्छे फेवर में चले गए। इस वजह से क्या होता था, जो वन का जो चीफ होता था उसके फेवर में दो लोग आ जाते थे, प्रिजनर्स तो आते ही थे, और ऊपर से इसके जो खुद के लोग हैं वन विलेज के, इसके जो खुद के विलेजर्स हैं उन्हें इसने लैंड वोटर दिया है तो वो भी आ जाते थे। तो ऐसे चीफ की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई टाइम टू टाइम। ठीक है, उसके बाद एक और चीज हम पढ़ते हैं, जो फिर ये वर्ल्ड लीडर्स थे ना, ये मरते भी रहते थे, परमानेंट नहीं थे, ये जो चीफ वगैरह होते थे ये परमानेंट नहीं थे। लेकिन फिर एक चीज होती है, क्या होती है, वो धीरे धीरे जो वर्ल्ड लीडर्स थे ना, वो क्या करने लग गए, वेलफेयर करने लग गए पीपल्स का, वेलफेयर ऑफ अपनी प्रजा का वेलफेयर करने लग गए। कैसे करने लग गए, बाय बिल्डिंग टेम्पल्स, टेम्पल्स बनाने लग गए वो, कि एक मंदिर बना दिया और कह दिया कि मैं तो बहुत ही अच्छा इंसान हूं, तो उसकी सारी प्रजा उसकी तरफ हो गई, तो अब जब भी युद्ध होगा तो उसकी प्रजा उसे बचा लेगी सामने वालों से लड़ के टेम्पल के बहाने। अब इसे एक चीज से रिलेट करो, वो क्या करते थे, टेम्पल में बहुत ही महंगी महंगी चीजें डोनेट करते थे, जिससे सबको लगता कि भाई भगवान के लिए अच्छा काम कर रहे हैं हमारे राजा वो लीडर। अब इसे एक चीज से रिलेट करो, मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था, उरुक के राजा एन मार्कर ने अपने राजदूत को स्टोन लाने को भेजा, और वो स्टोन उसे इसलिए चाहिए थे क्योंकि उसे टेम्पल में डोनेट करने थे, टेम्पल में डोनेट करने थे। क्यों करने थे, इनडायरेक्टली वही बात हो गई कि उसे टेम्पल में डोनेट करके प्रजा के अच्छे, प्रजा जो उसकी प्रजा थी उसके सामने अच्छी इमेज बनानी थी अपनी, इसलिए वो महंगी महंगी चीजें टेम्पल में डोनेट कर रहा था, इससे फिर उसकी प्रजा उसकी तरफ हो जाती।
तो ये किया जाता था पहले, किसी राजा को अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ानी है, राजा को पॉपुलैरिटी बढ़ानी है तो भाई वो डोनेट कर देगा टेम्पल में, कुछ ना कुछ डोनेट टू टेम्पल। लोग सोचेंगे भाई राजा तो बहुत अच्छा है, इतना अच्छा अच्छा पैसा डोनेट करता है टेम्पल में, इससे अच्छा कोई राजा नहीं, और फिर लोग जब भी लड़ाई होगी उसकी तरफ ले लेंगे। ये किया जाता था पहले, ठीक है। अब जो ये रूलर्स थे ना, चीफ वगैरह, चीफ, ये हमेशा ट्राई करते थे कि इनकी जो सेटलमेंट होती है सिटी वाली वो हमेशा नियर हो टू विलेजेस, वो हमेशा विलेजेस को कहते थे कि हमारी सिटी के पास अपना गांव बनाओ और यहाँ पे खेती करो, ताकि मतलब हमारी सिटी में फूड आ सके टाइम टू टाइम और ट्रेड भी हो सके आराम से। तो इसलिए रूलर्स ना हमेशा विलेजेस को अपनी सिटी के पास सेटल करने के लिए प्रमोट करते थे, ठीक है। इसके एक और फायदा होता था, एक तो मतलब एग्रो एग्रीकल्चर फूड मिल जाता था इन सिटी वालों को जल्दी से जल्दी है। दूसरा क्या होता था, विलेजेस में लोग होते हैं वो क्या करेंगे, आर्मी में हेल्प करेंगे। अब शहर में यूं तो है नहीं कि बहुत सारे लोग होंगे, गांव में मिलते हैं ज्यादातर लोग, शहर में कम होते हैं, उस टाइम में तो कम ही थे शहर में, ठीक है। तो आर्मी इतनी जल्दी नहीं बन पाती थी, विलेजेस से लोग बुलाने पड़ते थे, और अगर विलेजेस पास में होंगे, क्लोज होंगे विलेजेस, तो फिर आर्मी जल्दी आ पाएगी उनके पास लड़ाई में। तो इसलिए उन्होंने विलेजेस को अपने पास बनाने का एक और ये एक और वो था पर्पस, एक था आर्मी का, एक था एग्रीकल्चर फूड्स का, ठीक है। अब पढ़ते हैं अगला, आगे एनसीआरटी में दिया गया है उरुक सिटी के बारे में। उरुक मैंने बताया था ये सिटी बहुत ही अच्छी है, इसको कहा जाता है सिटी पार एक्सीलेंस, पार यानी कि इक्वल, यानी कि वो सिटी जो कि बिल्कुल एक्सीलेंट है, एक्सीलेंस के बराबर है जो सिटी, ठीक है। इसे दा सिटी भी कहा जाता था। और ये सिटी ना टेम्पल टाउन थी एक, यानी कि बीच में कोई टेम्पल होगा उसके आसपास लोग बस गए, ठीक है। तो उरुक सिटी भी टेम्पल टाउन के अंदर आती थी, ठीक है, अर्लीएस्ट टेम्पल टाउन के अंदर थी ये अर्लीएस्ट। और उरुक सिटी के अंदर हमें पेंटिंग्स वगैरह और कार्विंग्स भी मिली हैं बहुत सारी, जिसमें आर्मी वगैरह के बारे में पेंटिंग कर रखी है और आर्म्ड हीरोज वगैरह के बारे में है, और जो विक्टिम्स हैं यानी कि जो हारने वाले लोग हैं उनके बारे में भी पेंटिंग बना रखी है, कि जैसे कि एक बड़ा सा ये आर्मी मैन है, ये छोटे छोटे से सामने वाले, मतलब ऐसे ही दिखाते थे सामने वालों को, छोटा दिखाते थे, ठीक है। तो इसने इन्हें मार दिया, ऐसे ये पेंटिंग बनाई हुई है उरुक में, ठीक है। कुछ सर्वेज हुए और उन सर्वेज में पाया गया कि जो उरुक लैंड था हमारा, वो न उरुक सिटी थी जो हमारी, वो 3000 BC यानी कि आज से करीब 5000 साल पहले, कितनी बड़ी थी, 250 हेक्टेयर बड़ी सिटी थी। ये बहुत ही बड़ी अमाउंट होती है, आजकल की सिटी भी इतने इतनी एवरेज ही होती है, मतलब इससे थोड़ी सी बड़ी मान लो, इतने की होती है आजकल की सिटीज भी, यानी कि 250 हेक्टेयर, वो भी 5000 साल पहले, 250 हेक्टेयर की सिटी, इतने ज्यादा सेटलमेंट में लोग, ठीक है। और फिर इसके बाद ये तो 3000 BCE में थी, इसके 200 साल बाद यानी कि 2800 BCE में उरुक सिटी 400 हेक्टेयर की बन गई, यानी कि और बढ़ गई, और लोग आके बसने लग गए, फिर जैसे ये सिटी थी तो और लोग बस गए, तो फिर ये बन गई सिटी, फिर और बस गए तो ऐसे बन गई, तो ऐसे ऐसे सिटी बड़ी होती गई टाइम टू टाइम। तो 200 साल में 150 हेक्टेयर बढ़ गई सिटी, ठीक है। और वैसे इसके हिसाब से अगर आपको कंपेयर करना है ना इंडियन साइट्स के कंपैरिजन में उरुक को, तो 3000 BCE में उरुक का साइज था 250 हेक्टेयर
और इसके कई सालों बाद जो हमारी मोहनजोदारो आती है, मोहनजोदारो एक मूवी भी बनी है, मोहनजोदारो आपने सुना होगा, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर थी यार, अपन के अंदर मतलब इंडिया की थी ये मोहनजोदारो, और ये इससे कई सालों बाद बनी थी, 500-600 साल बाद मतलब कभी बनी हो, और फिर भी इसका साइज 250 हेक्टेयर नहीं था, इसका मुश्किल से 100 हेक्टेयर के आसपास मिलेगा। ठीक है, तो मोहनजोदारो से कंपेयर करके देखो तो उरुक सिटी 2 टाइम्स थी, 2x। ठीक, और वैसे एक और इसमें दिया गया है कि जैसे जैसे उरुक का साइज बढ़ता गया, कि 250 हेक्टेयर से उरुक का साइज बन गया 400 हेक्टेयर, 150 हेक्टेयर बढ़ गया, तो इसमें लोग भी आके रहे होंगे, मान लो कि 10,000 लोग आके रहने लग गए एक्स्ट्रा, 10,000 पीपल। अब ये लोग कहीं से तो आए होंगे, जैसे कि कोई विलेज था, अब इन्हें विलेज में बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं मिल रही थी, तो उधर से ये ट्रांसफर होके उरुक सिटी में आके रहने लग गए, हमें तो सिटी में रहना है, अच्छी लाइफ जीनी है। ठीक है, तो अब 10,000 लोग उधर से आ गए, तो गांव तो खाली पड़ गया, ऐसे ना बहुत सारे गांव खाली पड़ गए, जैसे ये विलेज है, ये विलेज है, अब सारे विलेजेस में से लोग उरुक में आ गए और सारे विलेज खाली हो गए, यानी कि डेजर्टेड, डेजर्टेड यानी कि रेगिस्तान जैसा खाली, बिल्कुल बहुत सारे विलेजेस खाली हो गए इसकी वजह से। अंदाजा लगाया जाता है कि 12 या फिर 13-14 डजन से लिख रखा है एनसीआरटी में, तो लगभग 10-15 गांव खाली हो गए होंगे, तो अंदाजा लगा लो 10-15 गांव, एक गांव में मुश्किल से 10-1 हजार आदमी तो रहते ही होंगे, तो इतने सारे लोगों का माइग्रेशन हुआ था उरुक में लेटर सेंचुरीज में। और एक और बात है, उरुक जो सिटी थी हमारी, इस सिटी की खासियत थी पता है क्या, जैसे ये हमारी सिटी है उरुक, तो इसके चारों ओर एक डिफेंसिव वॉल थी, ये मान लो हमारी डिफेंसिव वॉल हो गई, एक मोटी सी वॉल, अगर अटैक वगैरह होता है तो उरुक के अंदर के निवासी बच सके इससे, तो एक मोटी सी वॉल थी चारों ओर उरुक के बाहर। ठीक है, और ये भी बहुत पुरानी थी, 3000 BC के आसपास की, अर्ली डेट, बहुत पहले की। ठीक है, और एक और वो था, जैसे कि उरुक के जो रूलर थे वो कहीं पे बाहर वॉर करते थे, तो वॉर में से जो लोगों को बंदी बनाया जाता था, कैप्टिव्स, बंदी जो सामने वाली पार्टी जो होती थी जिससे लड़ते थे, तो उनके लोगों को बंदी बना लेते थे ये, और फिर ऊपर से जो खुद के लोग होते हैं वो तो होते ही लोयल हैं इनके, लोकल पीपल, इन दोनों से काम कराया जाता था, कहाँ पे, वर्क टेम्पल में कराया जाता था, और ये कंपलसरी होता था। अब देखो इनको तो बंदी बनाए रखा है, इनको तो करना ही पड़ेगा, बंदी बना रखा है, लोकल पीपल की तो थोड़ी मर्जी होती है क्योंकि इनका तो राजा है, लेकिन इनके लिए भी कंपलसरी वर्क होता था टेम्पल में करने का, कि तुम्हें टेम्पल में रोज मजदूरी करनी है, और कितने टाइम पीरियड तक करनी है, वो भी लगभग 10 आवर्स, 10 आवर्स पर डे, इतने इतना काम कराते थे, बहुत ही ज्यादा काम होता है 10 आवर्स पर डे। और वैसे इसमें डाटा दिया गया है कि एक टेम्पल को बनाने में 1500 मैन, इनकी 1500 आदमी, प्लस में 10 आवर्स पर डे, यानी कि उनको काम 10 आवर्स पर डे कराना पड़ेगा, और ऐसे ऐसे अगर वो काम करेंगे ना तो जाके 5 साल में एक टेम्पल बनता था, यानी कि देख लो कितना काम कराते थे वो लोगों से, 5 सालों तक ये बंदी और लोकल पॉपुलेशन से कंपलसरी वर्क कराते थे 10 आवर्स पर डे, और वो भी 1500 मैन एक टेम्पल के लिए, 5 साल बाद टेम्पल बनता था, और ऐसे तो इन्हें एक टेम्पल में खुश है, इन्हें दूसरा टेम्पल बनवाना है, फिर इनका पूरी लाइफ यही चलता रहता था। ठीक है, और अब आप कहोगे कि काम कराना पड़ता था, बदले में वेजेस वगैरह कुछ तो मिलती होंगी, तो बदले में इन्हें वेजेस नहीं मिलती थी, इन्हें क्या मिलता था, इन्हें मिलता था रेशन, रेशन यानी कि रेशन शॉप होती है जिसपे जहां पे खाना मिलता है, एग्रो फूड, तो इन्हें गेहूं वगैरह दे देते थे या फिर चावल वगैरह दे देते थे, और उसके बदले में काम करा लेते थे इनसे। और हमें अब आप कहोगे कि ये सारा डाटा हमें कैसे पता, क्योंकि हमें ना मेसोपोटामिया में बहुत सारी टैबलेट्स मिली हैं, टैबलेट्स में क्या लिखा हुआ है, टैबलेट्स हमारी रेशन लिस्ट की,
यानी कि जितना भी एग्रो फूड बांटा गया है किस बंदे को कितना दिया है, कि एक बंदे को 100 ये दिया है, दूसरे को 100 ये दिया है, तो हमारे पास सारी लिस्ट है। क्योंकि टेबलेट्स एक बार लिख दिया जाता था तो वापस वो डिस्ट्रक्ट नहीं होती थी, खराब नहीं होती थी, अनडिस्ट्रक्टेबल होती थी वो, ठीक है। इसलिए जो टेबलेट्स थी उनमें हमें रेशन लिस्ट मिली है पूरी कि इस बंदे को इतना खाना दिया गया, बदले में इसने 10 आवर वर्क किया वगैरह वगैरह, तो इसलिए हमें पता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं टेक्निकल एडवांसेस इन उरुक। टेक्निकल एडवांसेस इन उरुक यानी कि जो उरुक कंट्री थी हमारी, ना कंट्री नहीं, सिटी थी जो हमारी बहुत बड़ी, उसमें क्या क्या टेक्निकल एडवांस है, या मतलब कि जैसे कोई विलेज है, अब सिटी में उससे कोई ना कोई टेक्निक एक्स्ट्रा होगी इसलिए वो सिटी कहलाई है। ऐसे तो है नहीं कि ये विलेज है, ये विलेज है यहाँ पे ज्यादा लोग रहते हैं तो इसे सिटी कह देंगे, कोई ना कोई खास बात होगी। जैसे कि आज के टाइम में लगा लो, आज के टाइम में विलेजेस में नेटवर्क क्वालिटी हाई नहीं होती, सिटी में होती है नेटवर्क क्वालिटी, तो इसीलिए उसे सिटी कहा जाता है। सिटी में बहुत सारे हॉस्पिटल भी होते हैं, बहुत सारे स्कूल्स भी होते हैं, लेकिन विलेजेस में नहीं होते इतने, तो ये डिफरेंस होता है। तो क्या टेक्निकल एडवांसेस थे उरुक में जो उसे सिटी बनाते थे, ठीक है। तो पहला टेक्निकल एडवांस था कि यहाँ पे ब्रोंज टूल का यूज हो गया था। ब्रोंज टूल विलेजेस में ब्रोंज टूल का यूज नहीं होता था, लेकिन उरुक में होने लग गया था। क्यों? क्योंकि ब्रोंज मेसोपोटामिया में कहीं पे भी मिलता नहीं था, ये एक्सपोर्ट कराना पड़ता, इंपोर्ट कराना पड़ता था बाहर से, और इंपोर्ट तो शहर वाले लोग ही ट्रेड करते हैं, तो इसीलिए ब्रोंज का टूल शहर वाले लोग यूज कर पाए क्योंकि उन्हीं उन्हीं को इंपोर्ट कराना आता था, ठीक है। उसके बाद दूसरा पढ़ते हैं कि जैसे ये कोई दीवार है, नीचे फर्श है, तो इसको सहारा देने के लिए पहले के जमाने में लकड़ी की डंडी लगाई जाती थी ऐसे सीधी, लेकिन क्या था कि कई बार दीवार का वजन जो पर वो है वो एक्स्ट्रा हो जाता था, बहुत ज्यादा हैवी, जिस वजह से लकड़ी जो होती थी वो टूट जाती थी, लकड़ी टूट जाती थी, तो फिर बंदा घर में रह नहीं सकता, लकड़ी टूट के फिर तो ऊपर पड़ जाएगी छत। तो उरुग वालों ने क्या सोचा कि भाई ये ऊपर दीवार है, ये नीचे फर्श है, तो हम बीच में ईंट वगैरह लगा के हम ईंट का कॉलम बना देते हैं ऐसे। आजकल तो हर हर घर में यही होता है, अगर ज्यादा लंबी दीवार हो तो ईंट के कॉलम होते हैं गोल गोल से बड़ी हाइट के, लेकिन पहले के जमाने में ये फैसिलिटी नहीं थी गांव में, लेकिन उरुक में ये फैसिलिटी आ गई थी, ठीक है। तो इसलिए ये एक टेक्निकल एडवांस हो गया कि पहले गांव में सब लोग लकड़ी लगाते थे वेट सपोर्ट करने के लिए, लेकिन उरुक वाले ये ईट लगाते थे, ठीक है। तो ये एक एडवांसमेंट हो गई। अब ईट मजबूत होती है तो वो वेट को ऊपर रख पाती, टूटती नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगला टेक्निकल एडवांस ये था, अगला टेक्निकल एडवांस भी आर्किटेक्चर के फील्ड में था, आर्किटेक्चर यानी कि जो कि ये इमारत वगैरह बनाते हैं इसमें, ठीक है। तो अगला टेक्निकल एडवांस ये, जैसे कि कोन होता है ना, कोन शेप, अब कौन सेप की मिट्टी को काट लेते थे ये बहुत सारी को, तो ऐसे ऐसे बहुत सारी मिट्टी होती थी, उसे क्या करते थे ये बेक कर लेते थे, यानी कि गर्म कर लेते थे धुआं वगैरह लगा के, ठीक है। जैसे कि आज के टाइम में ईंटों को बेक किया जाता है वैसे ही इनको बेक कर लेते ये, और फिर क्या करते इनको पेंट कर देते, पेंट अब एक ही कलर से नहीं, बहुत सारे, जैसे रेड ब्लू ग्रीन येलो, बहुत सारे कलर से कर दिए इन्होंने पेंट। अब बहुत सारे कलर से पेंट करने के बाद क्या होता है, ये रंग बिरंगे से हो जाते। फिर उसके बाद ही क्या करते, जैसे कोई दीवार है, ये टेम्पल की वॉल है, अब टेम्पल की वॉल पे रंग वगैरह तो करते नहीं थे, तो बिल्कुल फ्लैट रहती थी ये, तो ये सोचे कि अभी इसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम यहाँ पे एक कोन लगा देते हैं, ऐसे 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 बहुत सारे कोन लगा देते दीवार में, ये थोड़ा 3D मतलब बाहर की तरफ इमेजिन करो कि कोई कोन है वो बाहर की तरफ निकल रहे हैं, तो जैसे कि बाहर की तरफ निकाल देते थे कोन को दीवार से, और फिर ऐसे अलग अलग रंग के बहुत सारे कोन हो जाते थे, तो बहुत ही अच्छा लगता था देखने में। तो आर्किटेक्चर की फील्ड में ये एक प्रोग्रेस थी, विलेज वाले लोग ये काम नहीं करते थे, ठीक है। इसे कहा जाता था मोसाइक। मोसाइक का लिटरल मीनिंग देखें
तो इसका लिटरल मीनिंग होता है पैटर्न मेड बाय कलर्ड स्टोन, यानी कि बहुत सारी स्टोन वगैरह या फिर कोई भी चीज हो, बहुत सारे अलग अलग कलर हो, तो उनसे एक पैटर्न बन जाता है मोसाइक। ठीक है, तो आप गूगल भी कर लेना कि क्ले कॉन्स एट वॉल ऑफ टेम्पल इन उरुक, गूगल कर लेना, आपको दिख जाएगी, एक दीवार होगी उसमें कौन निकलते आएंगे बाहर की तरफ, बहुत ही अच्छा लगता है वो देखने में। ठीक है, अब पता नहीं पेंट वगैरह उतर गया हो वो सब पता नहीं, पर बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, आप देखना उसे। ठीक है, फिर एक चौथा एडवांसमेंट क्या था उनका टेक्निकल फील्ड में, चौथा एडवांसमेंट था पोर्टर व्हील। इसके बारे में आपने सबने सुना होगा, आपने देखा है कि जैसे कि कोई कुम्हार या फिर पोर्टर होता है कोई बंदा, तो वो एक गोल गोल सा होता है, उसे घुमाता रहता है और उसके ऊपर मिट्टी से मटके वगैरह बना देता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं पोर्टर व्हील। एक व्हील होता है ऐसे रखा हुआ, उसके ऊपर वो मिट्टी रखता है बहुत सारी, और फिर वो घूमता घूमता उसमें हाथ हूथ मार के फिर उसे बना देता है, बिल्कुल एक पोर्ट बना देता है मटका, इससे जल्दी बन जाता है। वरना पहले कैसे करते थे, पहले हाथ से मिट्टी को रोक वगैरह करके फिर बनाया जाता था, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता था, लेकिन इस पोर्टर व्हील की वजह से टाइम कम लगने लग गया। अब विलेजेस में ये फैसिलिटी नहीं थी, सिटी में थी, इसलिए ये टेक्निकल एडवांस था सिटी का। ठीक है, इससे क्या होता था, एक पोर्टर बंदा जैसे कि पुरानी टेक्निक से जो एक एक पोर्ट बनाता था, अब उसी टाइम में नई वाली टेक्निक से 12 या 13 पोर्ट बना देते हैं, यानी कि टाइम बहुत ज्यादा बच जाता है, 12 गुना टाइम कम लगता है। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड मीनिंग दिया गया है आपकी बुक में, स्टील्स करके, STELES। तो स्टील्स का मतलब होता है स्लैब्स वगैरह होते हैं जिन पे इंस्क्रिप्शंस होते हैं या फिर कार्विंग की गई हो जिन पे, जैसे कि मान लो ये एक कोई स्लैब है रॉक का, स्लैब मतलब टुकड़ा समझ लो। ठीक है, जैसे कोई रॉक का टुकड़ा है, तो मैं उस पे जैसे कि मान लो कोई कंपास वगैरह ले लूं और उससे क्रूच क्रूच के कुछ कुछ लिख दूं, कुछ भी लिख दिया मैंने कंपास से। ठीक है, तो ये हो जाती है कार्विंग, और जब एक रॉक के स्लैब पे कार्विंग की जाती है तो उस स्लैब को कहते हैं स्टील्स, STELES। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब, और इस वीडियो में जितना ही पढ़ा है, ये वीडियो थोड़ी लंबी है, इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है।